जी एक अमूल पर आपका। ये देखिए जी ये आ चुका है अमूल। बाप रे बाप पूरा भर दिया है एकदम। मैं है वाराणसी के सबसे फेमस लक्ष्मी चाय वालों के जिनके बारे में मैंने बहुत सुना था। यहाँ पर चाय के साथ ही ब्रेड भी दिया जाता है और भी बहुत कुछ दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के भैया से जो कि है ओनर। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं भैया। बहुत अच्छे हैं भैया। तो आपने ऐसे क्या किया है जिससे पूरे वाराणसी आपके दीवाने हो गए चाय के? मैंने नहीं किया, मेरे पिताजी ने किया है। पिताजी ने किया है। कब से दुकान चल रही है आपकी? ये 75 वर्ष हो गए। 75 ईयर हो गए। तो भैया अपने पास क्या क्या है चाय में? हमारे यहाँ व्हाइट बटर जो अपने यहाँ खुद बनता है, खुद का अपना प्रोडक्ट है, खुद का अपना प्रोडक्ट है। और अमूल बटर तो मार्केट में मिल ही जाता है। और मलाई टोस्ट है, सिजीरियन बनाते जो अपने यहाँ खुद बनता है। अरे वाह। जो ब्रेड के अंदर फाड़ के उसके अंदर काट के अंदर डाला जाता है, जो बनारसी भाषा में बोलते हैं कम्बल ओढ़ के घी पीना। कम्बल ओढ़ के घी पीना। घी पीना क्या बात है। तो ये तरीका है आपका मतलब। अरे वाह। और आपको एक बार रेट्स भी दिखा देते हैं। चाय का जो प्राइस है वो कितने रुपए से शुरुआत है? फिलहाल 15 है। 15 रुपए से है। इसके साथ ही आपको टोस्ट भी 40 रुपीज से लेकर 25 रुपीज तक आपको दूध मिल जाएगा, कॉफी मिल जाएगी। स्पेशल चाय 15 रुपए की मिलेगी। अंदर आपको सीटिंग दिखा सकते हैं, जो बाहर खड़े होकर पीते हैं वो अंदर बैठ के भी पी सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको पहले दिखाते हैं कुछ इस तरीके से बट्टी पर ब्रेड को सेका जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और इस साइड में ये भी कोयले वाली बट्टी है। तो भाई बहुत सही यहाँ पर चाय बनाई जाती है। हम भी पियेंगे। अमूल वाला बना रहे हैं क्या? चलो भैया हमारे लिए भी बढ़िया सा बनाते जाइए। और ये क्या है? व्हाइट बटर। और ये येलो बटर क्या मतलब कुछ बताएंगे? ये घर का बटर है जो हम बनाते हैं। अच्छा ये घर का बटर है। और ये मार्केट में मिलता है। अच्छा, दोनों बटर को मिला के बनाते हैं। तो ये दोनों बटर को ये देखो जी ब्रेड आ चुके हैं हमारे। और ये इस तरीके से व्हाइट बटर में से निकाल के और ये देखो जी ब्रेड में ऊपर से इस तरीके से लगाया जाता है। ये देखो जी किसी को येलो वाला खाना है तो वो येलो बटर बता देते हैं। वैसे सबसे ज्यादा कौन सा वाला लोग पसंद करते हैं? व्हाइट, क्योंकि ये घर का बनाया गया है। तो यहाँ पे कंटिन्यू कुछ इसी तरीके से ब्रेड सिकता जाता है और कंटिन्यू कुछ इस तरीके से ब्रेड बटर तैयार हो जाता है। ये देखिए आ चुकी है सिक्के और ऊपर से लगेगी अब अपनी ये व्हाइट वाली बटर कुछ इस तरीके से। मतलब जल्दी जल्दी काम चलता रहता है यहाँ पे। और ये एक प्लेट पे कितने पीस होते हैं भैया? दो पीस होते हैं। और ये एक प्लेट कितने रुपए की बनके तैयार होती है भैया? ये 40 रुपीज। 40 रुपीज की। तो 40 रुपीज में ये देखिए जी 40 रुपीज में आपको दो पीस मिल जाएंगे। और साथ में येलो वाला बटर शेक है वो येलो भी ले सकते हैं। नॉर्मल बनाते हैं। सेका जाता है इसे दोबारा सेकेगा। अच्छा बना ये एक बार सेकने के बाद इसको दोबारा से कटिंग करके बीच में इसमें बटर डाल के दोबारा सेका जाएगा। नाम है सिजेरियन टोस्ट। सिजेरियन टोस्ट। सिजेरियन टोस्ट क्यों रखा गया इसका नाम? ये चीज फाड़ होता है जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं। अरे वाह, उसका भी ऑपरेशन होता है ब्रेड का। अरे वाह, मतलब ब्रेड का ऑपरेशन कर दिया है और इसको फिर सेका जाएगा इसके अंदर, इसीलिए इसका नाम सिजेरियन टोस्ट कर दिया है। क्या बात है। ये देखिए सिक चुका है और ये आ चुका है दूध। मतलब एक बार में कितनी चाय बन जाती है आपके? कोई गिनती नहीं है। 50 कप बनता है एक बार में। मतलब मैं एक ही बार पूछूं, एक भगोने में 50 कप बनता है? क्या बात है। तो अंदर पूछ रहे कैसा लग रहा है आपको यहाँ की चाय टोस्ट? अंदर जाके पीछे बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए हैं। भैया आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा? वन नंबर। तो सब भी लगवा रहे हैं अपने लिए। देखो जी ये लो जी चीरा फाड़ी शुरू हो चुका है। ये आ चुका है कौन सा? ये देखिए जी आ चुका है अब बटर। बहुत बढ़िया। कितने मिनट में सीख जाता है ये? 5 मिनट लगते हैं। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान। आपको कैसा लगा? और आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। चिकन वाली ब्रेड आ चुकी है और इसका प्राइस है 40 रुपीज। और साथ में ये 15 रुपए की कुल्हड़ वाली चाय भी दी गई है। अभी आपको पता चल ही रहा होगा कि मेरा गला एकदम से बैठा हुआ है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वाराणसी में आपको कुछ इसी तरीके से कप में चाय दी जाएगी। चलिए देखते हैं अभी के आइए। ये तो पूरी मेल्ट हो चुकी है। वाह ये देखो भाई
क्या मस्त लग रहा है। तो अंदर बटर बटर डाला गया है, देख सकते हैं आप लोग, मतलब चिपक गया ही बिल्कुल से। इलायची है और बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, और साथ में ब्रेड के साथ तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हैं। चौक थाने का लक्ष्मी चाय वालों के आपको ये चाय मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए प्लेस पर नए खाने साथ, तब तक के लिए बाय।